हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं दिव्या शर्मा। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक महीना रोजाना खजूर खाने के फायदों के बारे। हमारी आयुर्वेद की किताब अष्टांग हृदयम के मुताबिक, जो कि वागवट ऋषि जी ने आज से हजारों साल पहले लिखी थी, उसके अनुसार खजूर खाना हर मानव शरीर के लिए बहुत जरूरी और बहुत फायदेमंद है। तो चलिए जानते हैं वात, पित्त और कफ के आधार पर आपको खजूर का सेवन दूध के साथ करना चाहिए, पानी के साथ करना चाहिए या फिर इसको एज इट इज ही खाना चाहिए। तो आज इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इसके सारे बेनिफिट मिल सकें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक भी जरूर करिएगा। आपके लाइक से मेरा मोटिवेशन अप होता है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो आप मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन वाले बटन पर भी जरूर क्लिक कीजिएगा। खजूर से हमें क्या मिनरल्स और क्या विटामिन मिलते हैं, यह हमारे शरीर के किन किन भागों पर काम करता है। दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको बताने जा रही हूँ खजूर खाने के फायदे क्या हैं, उसके बाद आपको बताऊंगी कि आपने इसका सेवन किस तरीके से करना है। दोस्तों, जो लोग कमजोरी फील करते हैं, आपको एक चीज बता दूं, पुराने टाइम में जब लोग बहुत थकान या कमजोरी फील करते थे, उस टाइम जो डॉक्टर थे और वैद्य थे, वो कोई मेडिसिन नहीं देते थे, दवाई नहीं देते थे कमजोरी को दूर करने के लिए। आजकल तो हमें पता है, कमजोरी हो रही है या फिर तो आयरन की मेडिसिन लीजिए या फिर कैल्शियम के सप्लीमेंट ले लीजिए। पुराने टाइम में वैद्य क्या कहते थे, आप गाय का दूध लीजिए, देसी गाय का, या फिर आप बकरी का दूध लीजिए और उसके अंदर 2 से 3 खजूर को उबाल कर रात को पी लीजिए सोते टाइम, या फिर आप सुबह नाश्ते में, यानी जब सुबह नाश्ते में हम खाना खाते हैं, उससे 15 से 20 मिनट पहले इसे पी लीजिए। ऐसा करने से थकान और कमजोरी दूर होती है, शरीर में एनर्जी आती है। इसके अलावा खजूर खाने से हमारे बॉडी के अंदर विटामिन्स जो हैं वो पूरे हो जाते हैं। इसके अंदर विटामिन B1, B2, B3 और B5 बहुत अच्छी मात्रा में होता है। इसके साथ साथ इसके अंदर विटामिन ए और विटामिन सी भी मिलता है। तो दोस्तों, आप आज से ही खजूर खाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि विटामिन के साथ साथ इसके अंदर ग्लूकोज और फ्रुक्टोज भी होता है, जो हमारे शरीर के लिए काफ़ी फायदेमंद है, हमारे शरीर को एनर्जी और चुस्ती फुर्ती देता है। एक चीज़ और बता दूं कि वैसे तो ये खजूर बहुत आसानी से मार्केट में मिल जाएगी ड्राई फ्रूट शॉप पर, लेकिन अगर आप कोई ऐसे इलाके में रहते हैं जहां आपको खजूर नहीं अवेलेबल, तो जहां से ये ऑनलाइन मिलती है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। खजूर के अंदर बहुत अच्छी मात्रा में मिनरल पाए जाते हैं, स्पेशली इसके अंदर सिलेनियम होता है, मैग्नीशियम मिलता है, मैग्नीज मिलता है, आयरन मिलता है, जो कि आपके शरीर के लिए बहुत आवश्यक है, हमारी हड्डियों के विकास के लिए बहुत फायदेमंद है। साथ ही साथ यह हमारे हृदय यानी दिल से जुड़ी बीमारियों को भी दूर करता है। खजूर के अंदर अच्छी मात्रा में कैल्शियम, बायोटिन और प्रोटीन होता है, जो हमारे बालों के लिए फायदेमंद है। अगर आपके बाल बहुत कमजोर हैं, बहुत पतले हो चुके हैं, झड़ते बहुत ज्यादा हैं, उनकी ग्रोथ रुक चुकी है, उनमें बिल्कुल भी शाइन नहीं है, तो आपको खजूर का सेवन रोजाना करना चाहिए, बालों की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए और उनको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। आप चाहें तो आप खजूर का सेवन दूध के साथ भी कर सकते हैं और पानी के साथ भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप बालों को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बालायाम प्राणायाम करें, यानी कि नाखूनों को आपस में रगड़िए। ऐसा करने से बाल स्ट्रॉन्ग होते हैं। वीडियो में आगे चलते हैं, लेकिन आपको एक और चीज बताना चाहती हूँ कि अगर आप इसी वीडियो को पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट myfitnessbeauty.com पर जाकर इस वीडियो को पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपके जोड़ों में बहुत दर्द रहता है, आपको गठिया की समस्या है, आपके घुटनों में दर्द रहता है, आपको अर्थराइटिस की समस्या है, आपके मांसपेशियों में दर्द रहता है, यानी आपको मसल पेन है, आपके जोड़ों में से आवाज आती है, तो आपको खजूर का सेवन रोजाना जरूर करना चाहिए। आपको इसका सेवन दूध के साथ करना है, लेकिन आप जब दूध में डालकर इसको पकाएं, यानी कि उबाला दे दूध को, तो इसके अंदर 2 चुटकी आप हल्दी भी मिक्स कर दीजिए। अगर आपके डॉक्टर ने आपको ये बोल दिया है कि आपके शरीर के अंदर कैल्शियम की कमी हो गई है, इस कारण से आपके जोड़ों में दर्द हो रहा है, घुटनों में दर्द हो रहा है, आपके हर एक बॉडी के जोड़ में फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो चुकी है, जोड़ आपस में टकराने लगे हैं और जोड़ों से आवाज आ रही है, तो आपको रोजाना हल्दी,
दूध और खजूर का सेवन रात को सोते टाइम करना है। इसके अलावा जिनकी नसों में कमजोरी रह रही है और कमर दर्द बहुत ज्यादा होता है, इसके अलावा पूरी टांग में दर्द जाता है, तो आपको दूध के साथ इसका सेवन करना है। लेकिन उस टाइम आप दूध के अंदर 2 चुटकी से लेकर 3 चुटकी मेथी का पाउडर मिक्स कीजिए और फिर इसे सेवन कीजिए। ऐसा करने से आपको एनर्जी मिलेगी, बॉडी को कैल्शियम भी मिलेगा, इसके साथ साथ जो नसों में आ रही कमजोरी है और वात रोग से होने वाली समस्याएं हैं वो भी दूर हो जाएंगी। इसके अगले फायदे की बात करूं तो ये पुरुषों के लिए है जिनके अंदर अंदरूनी कमजोरी बहुत ज्यादा है, वो एक्टिव फील नहीं करते, बहुत ही आलस रहता है उनके अंदर, तो पुरुषों को रोजाना ही खजूर का सेवन सिर्फ रात को सोते टाइम वो भी दूध के साथ करना है। इस तरीके से सेवन करने से पुरुषों की अंदरूनी कमजोरी दूर होती है और स्पर्म काउंट भी बढ़ते हैं। इसके अलावा जिनकी आंखों की रोशनी बहुत कमजोर है उन लोगों ने दूध के साथ ही सेवन करना है खजूर का, लेकिन इसके साथ आप 1 चम्मच सौंफ को भी साथ में डालिएगा और फिर दूध को बॉईल कीजिएगा 2 खजूर डालकर और ऐसे रात को सेवन कीजिएगा, या फिर आप दिन में कभी भी खाली पेट भी कर सकते हैं। और दोस्तों अगले फायदे की बात करूं तो जिनको भी एनीमिया की समस्या है यानी कि हीमोग्लोबिन कम हो चुका है, यह ज्यादातर समस्या महिलाओं में होती है। महिलाओं के अंदर हार्मोनल चेंजेस ज्यादा होने के कारण उनके अंदर हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, उनको थकान और कमजोरी बहुत ज्यादा महसूस होती है, जब वो चलते हैं तो सांस फूलती है, इसीलिए उनके अंदर खून की कमी होने के कारण ये सारे लक्षण दिखाई देते हैं। तो आपको रोजाना खजूर का सेवन करना चाहिए। आप रात को खजूर 2 से 3 भिगो दीजिए और सुबह इसका सेवन कीजिए। अगले फायदे की बात करूं तो जिनका पाचन तंत्र बहुत कमजोर है तो खजूर खाना उनके लिए एक औषधि की तरह काम करता है, क्योंकि इसके अंदर अच्छी मात्रा में फाइबर होता है। फाइबर की वजह से यह कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्या नहीं होने देता, पेट को अच्छे से साफ करता है। इसके अलावा पेट फुला हुआ अगर आपको महसूस होता है, आपके अंदर अपच बहुत ज्यादा है यानी खाना अच्छे से पचता नहीं है, आपके अंदर वो ना पचा हुआ खाना अंदर ही पेट में सड़ जाता है, तो दोस्तों आज से ही आप पानी में भिगोकर सुबह खजूर खाना शुरू कर दीजिए, पेट से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी। अगले फायदे की बात करूं तो जिनको भी स्किन से संबंधित कोई भी समस्या है, खजूर के अंदर अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, जो हमारी त्वचा पर ओज, तेज और चमक को बढ़ाती हैं। अगर आपके आंखों के नीचे डार्क सर्कल हो रहे हैं तो आप खजूर का सेवन करना आज से शुरू कर दीजिए, क्योंकि खजूर हमारे अंदर मेलानिन को कम करने का काम करती है, हमारी स्किन को ग्लोइंग बनाती है। अगर आपकी स्किन पर बहुत जल्दी पिगमेंटेशन हो जाती है और आप बहुत सारे इलाज फॉलो करते हैं लेकिन कोई असर नहीं होता, आपकी स्किन पर बहुत ज़्यादा झुर्रियाँ हैं, बहुत ज़्यादा रिंकल्स हैं, आपका फेस का कलर डल पड़ता जा रहा है यानी डार्क हो रहा है, तो आपको रोजाना खजूर का सेवन करना चाहिए, क्योंकि फेस से होने वाली जितनी भी प्रॉब्लम है, या फिर मैं ये कहूँ कि स्किन से होने वाली जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो हमारी बॉडी के अंदर खून साफ ना होने के कारण या फिर बॉडी में खून की कमी होने के कारण होती हैं। इसके अलावा अगर बॉडी में पित्त बढ़ जाता है तो होती हैं, लेकिन पित्त की कंडीशन में यानी कि बॉडी में एसिड बढ़ने की कंडीशन में आपको खजूर का सेवन पानी में भिगोकर ही करना है, आप दूध में उबालकर नहीं करें। जिनका नर्व सिस्टम सही से काम नहीं करता, आपको बहुत जल्दी घबराहट हो जाती है, आप बहुत जल्दी नर्वस हो जाते हैं, तो आपको खजूर के फायदे जरूर लेने चाहिए। तो चलिए अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आपको खजूर का सेवन किस समस्या में किस तरीके से करना है। जिनको जोड़ों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा जिनको नर्व सिस्टम में प्रॉब्लम है या कमर दर्द रहता है, उसके लिए भी आपको मैंने बता दिया कि मेथी के साथ आपको इसका सेवन करना है। वैसे जो नॉर्मल इंसान है, कमजोरी को दूर करना चाहते हैं, वो इसका सेवन रात को पानी में भिगो कर और सुबह इसका सेवन कीजिए। आपको एक चीज और बताने जा रही हूँ कि आप सर्दियों के दिनों में इसे एज ए ड्राई फ्रूट के तौर पर खा सकते हैं, लेकिन गर्मियों के दिनों में इसे एज ए ड्राई फ्रूट नहीं खाइए। आप या फिर तो इसे दूध में बॉयल करके खाइए या फिर आप इसे पानी में भिगो कर खाइए। अगर आप इसे दूध में बॉयल करके खा रहे हैं तो उसके बाद दूध को ठंडा जरूर कर लीजिए, यानी गर्म दूध का सेवन आपने नहीं करना, क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है। अगर आप गर्म दूध के साथ इसका सेवन कर रहे हैं तो ये आपके अंदर गर्मी को बढ़ा सकता है। बस इतना चीजों का ध्यान रखना है। अगर आपके कोई भी सवाल है इस वीडियो से संबंधित तो जरूर पूछिए, आपके हर एक सवाल का जवाब जरूर दिया जाएगा। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, ऑलवेज बी हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके बाय।